कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त निर्णय ले सकती है सरकार। सरकारी नौकरियों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक 14 जुलाई को होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद बंदिशों पर फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 1100 से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में सरकार मास्क पहनना अनिवार्य कर सकती है। इसके अलावा कुछ और सख्ती भी कर सकती है ताकि कोरोना संक्रमण थम सके। हिमाचल के कॉलेजों में दाखिलों के लिए इस दिन से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल। हिमाचल प्रदेश के डिग्री संस्कृत कॉलेजों में दाखिलों के लिए रविवार 10 जुलाई से पोर्टल ऑनलाइन खुलेगा 1 अगस्त से। कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा 26 जुलाई तक। कॉलेजों में मेरिट लिस्ट जारी होगी 10 से 20 जुलाई तक। कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिले फॉर्म जमा होंगे। 21 जुलाई को पहली मेरिट सूची जारी होगी। 22 से 25 जुलाई तक 4 दिनों के दौरान फीस जमा होगी। 26 जुलाई को दूसरी मेरिट सूची जारी होगी। इसकी फीस 27 और 28 जुलाई को जारी होगी। 29 और 3 जुलाई को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन होगा। हिमाचल के 3 परिवारों ने अपनी आंखों से देखा खौफनाक मंजर। बादल फटने के बाद टापू में फंस गए थे बच्चे। अमरनाथ यात्रा पर गए हिमाचल प्रदेश के बद्दी के 3 परिवार मौत के मुंह से निकलकर बालटाल पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत का मंजर देखा। पुलिस की मदद से पंचतरणी पहुंचने के बाद यहीं रात भर रुके। शनिवार दोपहर बाद मौसम खुलने के बाद देर शाम को बालटाल पहुंचे। उधर बादल फटने की सूचना मिलते ही बीबीएन से यात्रा पर गए इन परिवारों के परिजन सहम गए थे। इनके सुरक्षित होने की सूचना मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। एचओटीसी बस कंडक्टर को जड़ दिया थप्पड़। निजी बस परिचालक सहित 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। निजी बस के परिचालक की ओर से एचओटीसी कंडक्टर को थप्पड़ मारने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने निजी बस के परिचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि थाना पंचरुखी के तहत एचओटीसी बस परिचालक के साथ स्थानीय बाजार में बहसबाजी व लड़ाई झगड़ा किया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात तस्दीक करने के बाद परिचालक दिनेश कुमार पुत्र दूनी चंद का बयान कमलबद्ध किया, जिसने बताया कि आज एचओटीसी पालमपुर डिपो की बस में बतौर परिचालक पालमपुर से जयसिंहपुर रूट जा रहा था और जब बस पंचरुखी बाजार में पहुंची तो वहां पर पहले से ही एक पटियाल प्राइवेट बस खड़ी थी जो कि ज्वालक जा रही थी। वह अपने निर्धारित समय के बाद भी पंचरुखी में ही खड़ी थी।